नमस्ते सुनील भैया। नमस्ते, आप कौन? मैं राहुल रतनपुर से। यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यही रास्ते से गुजर रहा था, कुछ लड़के लोग थे और मुझे परेशान कर रहे थे और मेरी गाड़ी भी चली गई, मुझे बहुत मारा। तो आप पुलिस के पास जाते हैं? पुलिस के पास भी गया लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। क्यों भाई? क्योंकि जो जिसने मुझे मारा था ना, वो सरपंच विजय चौहान का ही लड़का था। तो आप सरपंच के पास जाते हैं? उनके पास भी गया लेकिन उन्होंने भी मुझे मारा, बहुत मारा। चल ठीक है राहुल, हम देख लेंगे, तुम घर जाओ अपने। हेलो अर्जुन। हाँ भाई बोल। दोपहर में रतनपुर गांव के लिए निकलना यार। क्यों भाई, क्या हुआ? वहाँ कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं रे, अभी एक रतनपुर का राहुल आया था ना, उसको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। कौन है मुझे बता दे, मैं काम कर दूंगा। राघव चौहान नाम का कोई है, सरपंच विजय चौहान जी का बेटा। एक काम कर, तू भी आज चल मेरे साथ। सरपंच नाम सुन के डर गया क्या? अबे तुझे पता है ना, हम दोनों की किसी के बाप से नहीं फटती। अब इसी हाँ भैया, आज कैसे याद किया? भैया वो तो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं और आपको पता है हम ये नहीं करते हैं। ठीक है भैया, आप बोल रहे तो उनसे मिल लेंगे एक बार। बहुत मनाएंगे। ठीक है भैया।
जी पिएगा दे दे चले एंजॉय क्या कर रहा है क्या बोल रहे थे वो अरे रघुवीर है ना उससे मिलना है रघुवीर वही तो नहीं जो ड्रग्स डीलर है हाँ वही है मैंने बोला भैया को हम वो बिजनेस नहीं करते लेकिन तो भी बोला एक बार मिल लो भैया ने बोला है तो मिलना तो पड़ेगा देखते हैं चल मिले एक नहीं मिले सोचते हैं ठीक है चले हाँ ठीक है अर्जुन अबे लोडू यहाँ क्यों आया तेरी मीटिंग थी ना अबे गांडू मेरे अकेले की मीटिंग नहीं हम दोनों की मीटिंग है हाँ हाँ जानता हूँ अबे यार तुझे नहीं लगता क्या 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 हमें ये सब छोड़ देना चाहिए क्यों अबे यार इन सब में कुछ नहीं है ये मशहूर होना ये गाड़ियाँ पैसे दौलत घर लड़ाई झगड़ा एंड ऑल आज ये ख्याल कैसे आया अबे यार तू खुद देखना पहले बस में घूम के खुश थे और आज गाड़ी है फिर भी घूमने नहीं जा सकते पहले पैसे नहीं थे तब भी खुश रहते थे और आज इतने पैसे होने के बाद भी खुशी नहीं है बात तो सच कह रहा है पर अब चाह कर भी नहीं छोड़ सकते कभी कभी सोचता हूँ उस दिन भागते नहीं और सरेंडर कर देते तो शायद आज कुछ और होता छोड़ना है अब ये सब सोचने से बस पुराने जख्म ताज़ा होंगे चल इन नशेड़ियों से भी मीटिंग करनी है हेलो मैं केशव मेरा छोटा भाई शिवा आ न सका चलिए कोई बात नहीं आपको क्या बात करनी थी बताइए मेरे को ड्रग्स के बारे में काम करना है ये काम हम नहीं करते 30% तुम्हारा रहेगा 70% हमारा रहेगा देखिए हम नहीं करते इसका कुछ कारण है अरे तो चलो ठीक है 40% तुम्हारा रहेगा 60% हमारा रहेगा मैंने कहा ना नहीं का मतलब नहीं कुछ भी करो हमारा ना ही रहेगा अरे अच्छी तेरे को पता नहीं है मेरा बाप का लेट मेंटू है मुझे पता भी है क्या लड़के किस काम में आता है किस काम में आता है गार धोने के लगता नहीं है रघुवीर ठाकुर को उसका काटा पानी के मांगे ऐसे सारे पानी से तू गार तो धो देता है उसकी चुप हो जा भोसड़ी के वरना इतनी गोलियां मारूंगा ना कबाड़ी बिनते बिनते करोड़पति हो जाएगा ए! चुप साले सुना नहीं अर्जुन ने क्या बोला इतने पित्तल भर देंगे कि तेरा बाप पहचान नहीं पाएगा तुम माधव चलो देखूंगा मैं हाँ हाँ देख लेना अगर तुझे गांव में फुर्सत मिल जाए तो हाँ अबे आणि डुंगळा आला रोड पे परदा
केशव उठो केशव, जिसने भी ये किया केशव के साथ उसको मौत के घाट उतार दूंगा। केशव गाइस, तो वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट में बताएं। और न्यू वीडियो में भाई बहुत कंधे टूटे हैं, शूट के टाइम पे, एडिटिंग के टाइम पे बहुत लगी हमें चोटे, और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्यूज लाओ, लाइक्स लाओ, सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है। और इस वीडियो में जितनी भी स्मोकिंग सीन्स शूट हुई है वो सारी हर्बल सिगरेट से की हुई है, हमने किसी भी रियल सिगरेट का यूज़ नहीं किया। पीस आउट।